जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर आइस नेटवर्क वालों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। जिन लोगों के कम टोकन है उनके लिए बैड न्यूज़ या जो भी आप समझें वो है। सो आज की इस वीडियो के अंदर आइस नेटवर्क की कुछ मैं अपडेट शेयर करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और प्राइस के हवाले से कि कब डिस्ट्रीब्यूट होके हमें जो है ये रिसीव होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखें ताकि इस तरह की रियल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वो भी लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि उसके अंदर मैं ज़्यादा अपडेट्स जो है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ अपने आइस नेटवर्क के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मेरे पास खड़े हुए हैं टोकन 4,11,585 टोकन। ठीक है, अब इनके मुझे कितने मिलेंगे, 10% मुझे टोकन मिलेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अगर 10,000 टोकन है या 5,000 टोकन है, ये जितने भी हैं उन टोकन में से हमें जो है कितने मिलेंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि 4,11,586 टोकन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, 4,11,586 परसेंटेज लगा दें 10% की, मुझे मिलेंगे 41,158 टोकन। अब सपोज करें आपके पास टोकन पड़े हुए हैं कितने, 50,000। ठीक है, 50,000 इसको तकसीम करके जो है 10 पे कर दें, आपको 50,000 में से 5,000 टोकन मिल जाएंगे। अगर आपके पास पड़े हुए हैं 5,000 टोकन, ठीक है, तो इनको भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, आपको मिलेंगे 500 टोकन। और बाकी के जो टोकन है वो आपको साथ साथ जो है ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जैसे अवाइव के हो रहे हैं और जैसे जो है कोर का आप क्लेम करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्राइस की अगर मैं बात करता हूं, तो प्राइस की अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी प्राइस मैंने ग्रुप के अंदर जो है रात ही बता दी थी। यहाँ पे देखें, आइस नेटवर्क ब्रेकिंग न्यूज, राय का दावा है कि आइस पहला मेनेट 10 जनवरी के बाद जो है किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। ठीक है, आइस का मेनेट बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा। और इसकी प्राइस की प्रेडिक्शन जो है वो मैंने की थी रात, यहाँ पे वॉइस भी की थी लंबी चौड़ी, यहाँ पे मैंने बताया था कि आइस की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो कितनी है। प्राइस प्रेडिक्शन सब लोग मेरी याद रखें, PKR पाकिस्तानी 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इसकी जो प्राइस है वो जा सकती है। ठीक है, USDT में जितनी भी बने इतनी ही PKR में होगी। ठीक है, 5 रुपए से नीचे नहीं आनी। जिसके पास जितने टोकन पड़े हुए हैं वो अपनी कैलकुलेशन जो है कर लें। बाकी इंशाल्लाह इसकी सेलिंग बाइंग आपको इस ग्रुप के अंदर जो है मिलेगी। ये मेरा अपना ग्रुप है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, इसको लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आइस के टोकन जो है बहुत जल्द जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ही आएंगे तो आप लोगों ने जो है उनको होल्ड नहीं करना, आपने उनको सेल कर देना है। ठीक है, अगर आप होल्ड करें आपकी मर्जी है, कम रेट में अगर कम टोकन हो आपके, अगर अच्छी प्राइस का आप वेट करें तो इंशाल्लाह बुलरन के अंदर इनकी अच्छी प्राइस भी आएगी। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो सब्र कर लें। बाकी आइस नेटवर्क की प्राइस कुछ लोग बता रहे थे कि $5 $10 इतनी आएगी, नहीं जी इतनी नहीं आएगी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि अच्छा प्रोजेक्ट है, बट अच्छा इतना नहीं है कि प्राइस हमें अच्छी दे जाए। प्राइस इसने इतनी ही देनी है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने रात ही यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया था कि एक टोकन की जो प्राइस है 10 से 20 रुपए हो सकती है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है जहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था, अब ये BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, BNB की ब्लॉकचेन पे है तो एक तो इसकी गैस फीस कम लगेगी, क्योंकि गैस फीस तो लगती है, जैसे अवाइव को हमने क्लेम किया तो गैस फीस लगी थी। अच्छा, वैसे इसको क्लेम करेंगे तो गैस फीस इसकी कम लगेगी क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन पे है। जो BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन होता है तो उसकी जो है गैस फीस कम लगती है। तो हो सकता है पैनकेक स्वैप के ऊपर जो है हम इनको स्वैप कर सकें। बाकी जुड़े रहें इंशाल्लाह, वक्त के साथ आपको मैं अपडेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।